जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे बल के बारे में कि बल क्या होता है। ये वीडियो आपके प्रयोगशाला परिचारक के लिए ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि साइंस पोर्शन से 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ में PSC या फिर व्यापम के किसी न किसी एग्जाम में साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए भी ये अनिवार्य है। ये जो हम सोर्स ले रहे हैं वे आपके NCERT साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं 6वीं से 12वीं तक के, उस बुक से हमने लेके पढ़ा रहे हैं। साथ में हम इसमें न्यूमेरिकल भी कराने वाले हैं क्योंकि पता नहीं कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको केवल थ्योरी सेक्शन से भी प्रश्न आए। हो सकता है इसके सूत्र या फिर है ना इसके सूत्र या फिर अंकिक प्रश्न से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सब की तैयारी हम इस प्रकार से करने वाले हैं, अंकिक और थ्योरिकल एक साथ। और इसका सोर्स है आपका NCERT बुक और जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो बुक। जैसे फोर्स के बारे में समझते हैं, तो फोर्स होता क्या चीज है। दैनिक जीवन में हम बहुत सारे काम करते हैं, उन सब काम के लिए हमको बल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे साइकिल चलाना, किसी चीज को उठाना, ठीक है, अपने किसी किसी चीज को उठा के सर पर रखना, किसी चीज को खींचना या धकेलना, ठीक है, ये सब चीजों के लिए हमको बल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे भारी संदूक को खिसकाने के लिए अथवा दरवाजा खोलने के लिए हम क्या करते हैं, तो या तो हम संदूक को उठाते हैं, दरवाजा को खींचते हैं या पेलते हैं। इस प्रकार के दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं को, ठीक है, इस प्रकार की दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं को धकेलना या खींचना पड़ता है, तो इन सभी कार्य को हम बल कहते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जाए, किसी भी कार्य को करने के लिए जो हम उसमें ताकत लगाते हैं, जो हम अपना इफोर्ट लगाते हैं, है ना, चाहे वो ताकत किसी भी प्रकार का हो, चाहे आपके द्वारा लगाया गया ताकत हो, किसी मशीन के द्वारा हो, या फिर किसी गुरुत्वाकर्षण या फिर अन्य प्रकार से, किसी न किसी के द्वारा यदि किसी कार्य को करने के लिए ताकत लगाया जा रहा है, उसको हम बल कहते हैं। ठीक है, किसी न किसी वस्तु को चलाने के लिए, बंद करने के लिए, खींचने के लिए, उठाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, इवन आप चलते हैं उसमें भी आपका एक बल लगता है, किसी वस्तु को उठाते हैं, इन सब चीजों में एक बल लगता है, उसको हम कहते हैं बल। अब बल का एसआई मात्रक होगा, तो जैसे बल पर क्यों पढ़ रहे हैं, तो बल का एसआई मात्रक, देखिए फिजिक्स में यदि आप कुछ भी करते हैं तो उसका मात्रक एक फिक्स रहता है कि वो क्या चीज है ना। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, जिसे महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के सम्मान में रखा गया है। ठीक है, आइजैक न्यूटन के सम्मान में उसको रखा गया है। अब हम इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, जो बल है, बल के मात्रक को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। और बल कैसे दिखा सकते हैं, देखिए जैसे हम बल को दिखाते हैं एफ से, ठीक है, हम बल को दिखाते हैं एफ से, और इसका मात्रक होता है न्यूटन एन। अन्य अन्य कुछ कुछ अन्य प्रकार के और मात्रक हैं, जैसे बल का मात्रक होता है डाइन। ठीक है, बल का मात्रक होता है डाइन। तो एसआई मात्रक में यदि आपको प्रश्न पूछा जाएगा, तो एसआई मात्रक में बल का मात्रक होता है न्यूटन। वही यदि हम CGS पद्धति की बात करें, CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन। ठीक है, CGS मात्रक में इसका इसका मात्रक है डाइन। तो डाइन और न्यूटन दोनों के दोनों बल के मात्रक हैं। अभी अपने ये पूछ दिया जाए कि न्यूटन बड़ा है कि डाइन बड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एसआई मात्रक बड़े को रिप्रेजेंट करता है, तो जो न्यूटन है वो डाइन से बड़ा है। तो एक न्यूटन बराबर कितना होगा, हम यहाँ देखते हैं, एक न्यूटन बराबर एक डाइन है ना, एक न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन। देखिए इतना बड़ा होता है न्यूटन का बल। ठीक है, एक न्यूटन बराबर 10^5 डाइन होता है। कभी कभी प्रश्न में ऐसा पूछा जा सकता है कि एक न्यूटन को आप डाइन में परिवर्तित कीजिए, और वही यदि आप डाइन को एक न्यूटन प्रति, जैसे एक डाइन को हम अगर न्यूटन में बताना चाहें तब कैसे बताएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे न्यूटन। चूंकि डाइन छोटा मात्रक है और ये 10 बड़ा है, इसलिए हम उसको इक्वल करने के लिए 10^-5 करेंगे। ठीक है, तो एक डाइन बराबर हो जाएगा एक न्यूटन 10^-5, और एक न्यूटन बराबर हो जाएगा 10^5 डाइन। तो ये होता है हमारे बल का मात्रक। अब हम आगे समझते हैं कि बल और हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आइजैक न्यूटन ने बल के तीन नियमों को प्रतिपादन किया है। हम तीनों नियमों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमने अभी बताया, यदि किसी चीज में हम बल लगाते हैं, है ना, तो या तो वस्तु उठती है, गिरती है, या फिर चलने लगती है, तो बल के कुछ प्रभाव देख लेते हैं। जब भी हम किसी चीज पर बल लगाते हैं, तो मान में भी उसका चाल परिवर्तन हो जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे, मान लेते हैं एक साइकिल है। ठीक है, मान लेते हैं एक साइकिल है, ये इरेज कर दीजिए।
ना, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक साइकिल मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा साइकिल एक चल रहा है। यदि इस साइकिल में वेग है, मान लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ये चल रहा है, यदि इस पर हम किसी भी प्रकार का बल अप्लाई करते हैं या उसको धक्का लगाते हैं या फिर इसके सिरस्ती के माध्यम से खींचते हैं, तो हो सकता है इसके चाल में परिवर्तन हो जाए। जो 10 मीटर प्रति सेकंड था वो आगे चल के, सॉरी, जो 5 मीटर प्रति सेकंड था, हो सकता है वो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, या फिर कुछ हम इसके विपरीत बल लगा देंगे तो ये 0 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात ये स्टॉप भी हो सकता है, रुक भी सकता है। तो बल के प्रभाव क्या हो सकता है, किसी चलायमान वस्तु या फिर गतिमान वस्तु में जब भी हम बल का प्रयोग करेंगे तो उसकी चाल में परिवर्तन होगा, या तो चाल बढ़ेगी या तो चाल इसकी घट जाएगी। गति की दिशा भी चेंज कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ये फुटबॉल मारा, इस बच्चे ने जैसे फुटबॉल मारा तो फुटबॉल यहाँ पे आ गया, है ना, ये गति फिलहाल किस दिशा में गति कर रहा था, लेकिन यहाँ एक और बल, यहाँ एक और खिलाड़ी है, उसके द्वारा इसमें बल लगाकर इसकी दिशा को मोड़ दिया गया, तो ये फुटबॉल आगे न जाकर इस प्रकार से मुड़ गई। तो हम बल लगाकर किसी दिशा की बत्ती गति को भी बदल सकते हैं। बल में और क्या कर सकते हैं, तो बल से हम आकार या फिर आकृति भी बदल सकते हैं। जैसे ये बड़ा फुग्गा है, जैसे भी हम दबाएंगे तो इस फुग्गे का आकार विकार हम सब चेंज कर सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप जितना बल लगाएंगे उसका मानक उत्तर मिलेगा। हो सकता है एक लोहे की बड़ा सा लोहे का छड़ लीजिए और उस पर बल लगा के देखिए, क्या आप उसका आकृति मोड़ पाते हैं? बिल्कुल नहीं। जब तक उसके रेजिस्टेंस या फिर उसके विरोध के पावर से ज्यादा आप बल नहीं लगाएंगे, तब तक किसी भी वस्तु का प्रभाव आप चेंज नहीं कर सकते, उसकी आकृति प्रकृति को चेंज नहीं कर पाएंगे। आगे हम समझेंगे इस बल को, हम संतुलित और असंतुलित बल के नाम से समझेंगे। अब बल के प्रकार क्या होता है, तो पेशी बल जानवरों, इंसानों या फिर, हाँ, जानवर और इंसानों, जीव जंतुओं द्वारा लगाए गए बल को हम पेशी बल कहते हैं। पेशी बल क्यों कहते हैं, क्योंकि इंसानों में या फिर जानवरों में जो भी बल लगता है, जो भी वर्क होता है, वो हमारे पेशियों द्वारा लगाया जाता है। इसलिए जो सजीव जंतु या फिर मानवों द्वारा लगाए जाने वाले बल को हम पेशी बल कहते हैं। उसको उदाहरण क्या होगा, साइकिल चलाना, यदि कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है तो उसका पेशी बल हो गया, क्या हो गया, साइकिल चलाना, ठीक है, साइकिल चलाना एक पेशी बल हो गया। और एक पेशी बल जैसे कोई घोड़ा है, ठीक है, यदि घोड़ा जो है गाड़ी खींच रहा है, तांगा खींच रहा है, तब भी हम उसको पेशी बल कहेंगे, है ना। यदि हम पानी को अपने सिर पर रख लेते हैं, उठा के अपने हाथ से, तो ये भी पेशी बल होगा। तो इंसानों द्वारा या फिर जानवरों द्वारा किए जाने वाले या फिर उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बल को हम पेशी बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आगे हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। चुंबकीय बल क्या होता है, आपने बचपन में बहुत चुंबकी खेला होगा, एक चुंबक लीजिए और कुछ लोहे के टुकड़ों के किलो को उसको अपनी ओर आकर्षित करके देखिए, तो उस बल की वजह से, उस चुंबक बल की वजह से जो कील है, जैसे मान लेते हैं ये चुंबक है, मैग्नेट है, या छोटी छोटी कीले हैं, इस कीलों को आप जैसे जैसे उठाते जाएंगे ना, या फिर इसके इसके चुंबकीय प्रभाव को बढ़ाएंगे, या फिर चुंबक को कील के पास ले जाएंगे, या कील को चुंबक के पास लेके जाएंगे, तो ये कील ऑटोमेटिक इसमें आकर्षित होने लगेगी। इसको हम कहते हैं चुंबकीय बल। स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, कोई पेन पकड़े और अपने पेन पकड़कर उसको अपने बाल में घिसे, हाथ में घिसे, या फिर ज्यादा अच्छे बाल में घिसे, बाल में घिसने के बाद अब उसको छोटे छोटे कागज के पन्नों या फिर कागज के टुकड़ों को आप उस पेन के माध्यम से उठा सकते हैं, उसमें एक स्थिर वैद्युत बल आ जाती है, इसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। आगे इसका एक और अलग से चैप्टर है स्थिर वैद्युत बल, उसको आगे हम समझेंगे। घर्षण बल, इससे जस्ट पहले हमने क्लास किया है। घर्षण बल क्या होता है, जब भी कोई क्रिया होगा, है ना, जब भी कोई सरफेस में क्रिया होगा, जैसे ये सरफेस है, सरफेस रोड है, यदि यहाँ पे कोई चक्का घूम रहा है, यहाँ पे कोई व्हील घूम रही है, तो ये व्हील जो है आगे की ओर बल लगाएगी, तो इसके विपरीत एक इसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये जो जमीन है उबड़ खाबड़ है, ये है ना उबड़ खाबड़ है, तो ये इस टायर और इस रोड के बीच में जो भी घर्षण लगेगा, जो भी बल लगेगा, है ना, उसको हम घर्षण बल कहेंगे। और घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगती है। तो घर्षण बल के चैप्टर में आप इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। अब हम चलते हैं कि संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है, ये देखिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। एक यहाँ पे टेबल पे हमने कुछ लकड़ी का गुटका रखा, है ना, इस लकड़ी के गुटके को ए और बी नामक स्थान में रस्सी से बांध दिया। अब दोनों साइड को आप एक ही न्यूटन बल से खींचे, मान लेते हैं ए से हम 1 न्यूटन बल से इसको इस ओर खींचते हैं, बी को में भी 1 न्यूटन बल अप्लाई करके कुछ इस प्रकार से खींचते हैं, मतलब एक विपरीत दिशा में दोनों को खींचते हैं।
चूंकि दोनों बल समान है और एक ही समय में स्टार्ट हो रहा है, एक ही समय में दोनों बल को अप्लाई किया जा रहा है और दोनों बल के जो मान हैं बराबर हैं, एन है, तो ये जो बीच का जो गुटका है लकड़ी का, वो कहीं भी नहीं खिसकने वाला, ना तो दाएं जाएगा ना तो बाएं जाएगा। तो इस प्रकार के बलों को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। जब एक ही चीज पर दो वस्तु दो बल काम करती है और दोनों बल इक्वल होती है, तो उस केस में वस्तु में किसी भी प्रकार की स्थापन, सॉरी, वस्तु में किसी भी प्रकार की विस्थापन देखने को नहीं मिलता। ये बल आप दिशा चेंज करके भी देख सकते हैं। जैसे इस प्रकार से देखिए, ये एक लकड़ी का बड़ा सा गुटका मान लेता हूँ, है ना। अब एक व्यक्ति, इसको मैं राम नाम दे दिया हूँ और इसको मैं श्याम बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों बल लगा रहे हैं कुछ इस प्रकार से एक दूसरे के सामने, ठीक है। ए भी लगा रहा है 1 न्यूटन बल और श्याम भी लगा रहा है 1 न्यूटन बल, तो दोनों का बल एक बराबर है, 1 न्यूटन बल राम का भी 1 न्यूटन बल श्याम का भी। तो ये जो लकड़ी का जो बॉक्स है या फिर गुटका है, वो अपने स्थान से कतई ही नहीं हटने वाला। तो हमने क्या देख लिया? विपरीत दिशाओं में और सेम डायरेक्शन में भी हमने ये देख लिया, ठीक है। विपरीत दिशा में भी देख लिया, आप आमने सामने देख लिया। तो जब तक दोनों बल समान रहेंगे, है ना, दोनों बल समान रहेंगे तब तक वो वस्तुओं में विस्थापन नहीं होगा, इसको संतुलित बल कहते हैं। अब असंतुलित बल के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ हमने पिन ए पर या फिर पॉइंट ए पर 1 न्यूटन बल लगाया था, अब पॉइंट ए से हम 2 न्यूटन का बल लगाना शुरू करते हैं, है ना, और बी में यथावत रखते हैं 1 न्यूटन बल को। तब क्या होगा? इसका बल ज्यादा है ए का, तब इस प्रकार से ये गुटका जो है इस साइड खसक कर आ जाएगा, ये मतलब हल्का से खिसक कर ये चला गया। तो इसको हम कहते हैं असंतुलित बल। इसको हम क्या कहते हैं? असंतुलित बल। जब दो बल अलग अलग मात्रा में लगे, तो जो बल ज्यादा है उस साइड कोई वस्तु विस्थापन कर जाती है। सेम डायरेक्शन हम यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ यदि राम को हम 2 न्यूटन बल को अप्लाई करते हैं और श्याम 1 न्यूटन बल अप्लाई करता है, तब क्या होगा? ये जो बॉक्स है कुछ इस दिशा में खिसकना या फिर विस्थापन होना शुरू कर देगा। इससे हमने क्या सीखा? जब भी हम संतुलित बल लगा रहे थे, तब उस वस्तुओं में किसी भी प्रकार की विस्थापन देखने को हमको नहीं मिल रही थी, ठीक है, विस्थापन देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही असंतुलित बल लगाया, एक बल को ज्यादा किया गया, फिर एक बल को कम किया गया, उस स्थिति में वो वस्तु विस्थापन होना शुरू हो गया, और विस्थापन या फिर वो वस्तु में गति होना शुरू हो गया। हम ये कह सकते हैं, यदि कोई चीजों में असंतुलित बल लगाया जाता है, तो वस्तुओं में विस्थापन होना शुरू हो जाता है, वस्तुओं में गति होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि दो ही लोग हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है दो ही लोग हो। जैसे आप बचपन से एक साइकिल का जो खाली रहता था ना चक्का, उसको हम बचपन से चलाते थे। मान लेते हैं ये खाली चक्का है ना, ये इसका स्पोक है और ये खाली चक्का है, और ये नीचे रोड है, ठीक है, ये नीचे रोड है। यदि हम इस व्हील को चलाना चाहें, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसमें फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है, इस जमीन पर फ्रिक्शन काम करेगा, इस प्रकार से इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन काम करेगा। इस फ्रिक्शन से भी कुछ पावर लगेगा, ये जो फ्रिक्शन है कुछ अपना बल लगाएगा। तो यदि मैं इस व्हील को घुमाना चाहता हूं, तो इस फ्रिक्शन में मान लेता हूँ ये फ्रिक्शन 1 न्यूटन का बल लगा रही है, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं चेंज कर देता हूँ लाइट को, ये देखिए ये फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन का बल लगा रहा है। यदि कोई बच्चा या फिर मैं या फिर आप यदि इस व्हील को चलाने के लिए इसको ठोकर लगाते हैं मात्र 1 न्यूटन का, तो ये व्हील नहीं हिलने वाला, क्योंकि फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन का बल लगा रहा है, और फ्रिक्शन और बल दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन और बल दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए ये चक्का या फिर ये व्हील घूमेगा नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इस न्यूटन का बल को बढ़ा के 2 न्यूटन बल करूंगा, तो ये व्हील ऑटोमेटिक घूमने, व्हील को विस्थापन मिल जाएगा और वो घूमने लगेगा, ठीक है। तो ये कब हुआ? असंतुलित बल के कारण, जब दो बल लग रहे थे, एक बल ज्यादा, एक बल का मान ज्यादा और एक बल का मान कम, असंतुलित बल। इससे हमने शॉर्ट में हम क्या समझा? संतुलित बल में दोनों बल का मान समान होता है, इस वजह से वस्तु में विस्थापन नहीं दिखता, और असंतुलित बल में दोनों बल का मान अलग अंतर होता है, इसलिए अधिक न्यूटन बल वाला बल या फिर अधिक बल के जो अधिक बल की दिशा में कोई भी चीजें विस्थापन करना शुरू कर देती है, ठीक है। ये हमने संतुलित और असंतुलित बल समझ लिया। अब हम इसके नियम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बल एवं गति के नियम। बल एवं गति के नियम को पढ़ने से पहले हम एक जड़त्व का नियम समझते हैं, या फिर जड़त्व और द्रव्यमान। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान है, केवल प्रकाश को छोड़कर। इसको छोड़कर, लाइट को, LIGHT, लाइट को छोड़कर सभी वस्तुओं में खुद का द्रव्यमान होता है,
ठीक है, तो उस द्रव्यमान के वजह से वस्तु में जड़त्व आ जाता है। जड़त्व क्या चीज है, जैसे हम एक सिंपल भाषा में समझें तो ये बॉल है, ये बॉल अभी स्थिर अवस्था में है। जब तक इस बॉल में बाहर से कोई पावर नहीं लगाया जाएगा, बाहर से बल आरोपित नहीं किया जाएगा, तब तक ये बॉल अपने स्थान से नहीं हटने वाला है। ठीक है, मान लेते हैं ये बॉल क्योंकि हल्का है तो आप आसानी से थोड़ा सा भी इसको प्रेशर देके या फिर एक हाथ मार के इसको खसका सकते हैं। एक बड़े ट्रक के बारे में सोच के बताइए, यदि ट्रक खड़ी है, इंजन बंद है, ट्रक खड़ी है, तब क्या आप थोड़ा सा बल लगा के उस ट्रक को हिला सकते हैं या फिर थोड़ा सा आगे खसका सकते हैं? कतई नहीं, यह असंभव चीज है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो जड़त्व है उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान है, इसका मतलब ये है कि उस वस्तु का जड़त्व अधिक है। तो ये वस्तु का जड़त्व जो विस्थापन वस्तु के विरामावस्था और गत्या दोनों के लिए काम करता है। इसका दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे ये बॉल जो है हल्का से अब ये अपनी दिशा में विस्थापित करने लगा, मतलब ये बॉल चलने लगा। यदि इस बॉल को यदि मुझे रोकना होगा, यदि इस बॉल को मुझे रोकना होगा, तब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ बल अर्पित करूंगा, इसके विपरीत दिशा में, इसके निगेटिव दिशा में मुझे बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बल छोटा है इसलिए मैं थोड़ा सा प्रेशर लगा के, थोड़ा सा अपना हाथ का उपयोग करके इस बॉल को मैं रोक सकता हूँ। लेकिन एक ट्रक के बारे में फिर से सोचिए, ये ट्रक जो है अनियंत्रित ट्रक मान लेते हैं, यदि उसका ट्रक का ब्रेक फेल हो गया है, यदि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया तो आप उस ट्रक को कैसे रोकेंगे, है ना? इस बॉल को तो हाथ लगा के रोक लिए थे, लेकिन उस ट्रक को रोकना आसान नहीं है क्योंकि उसमें जड़त्व ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जड़त्व सीधे उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है? जो जड़त्व है किसी वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, जितना ज्यादा भार उतना ज्यादा जड़त्व। दो बातें हमने यहां सीखी कि कोई स्थिर चीजें हैं उसको भी हमको गति देने के लिए बल की आवश्यकता चाहिए, और जो गत्यावस्था वाला वस्तु है उसको भी रोकने के लिए हमको बल की आवश्यकता होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी वस्तु है यदि वो घूम रही है तो घूमना चाहती है, जब तक उसमें अगर उसके विपरीत बल नहीं लगाओगे। जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहना चाहती है, क्योंकि जब तक आप उसमें बल नहीं लगाओगे वो अपने स्थान को नहीं छोड़ेगी। अब कुछ डेफिनेशन उसको देख लीजिए, अभी तक दिए गए सभी उदाहरण में हमको ज्ञात हो गया कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था से परिवर्तन करने का विरोध करती है। मतलब यदि जो घूम रही है वो घूमने रहना चाहती है, जो चल रही है अपने रास्ते में व्हील में फ्लो हो रही है, मोशन हो रही है, वो गति चाहती है, और जो वस्तु अपनी जगह पर स्थिर है जिसमें गति नहीं है वो भी गति रहना चाहती है जब तक हम उसमें बाह्य बल नहीं लगाते हैं। इसी चीज को हम जड़त्व कहते हैं। मतलब जो चीजें रुकी हुई है वो रुका होना चाहती है, जो वस्तु चल रही है वो चलना ही चाहती है, तो इस चीजों को हम जड़त्व कहते हैं। न्यूटन ने बल की गति के संबंध में समझाने के लिए कुछ लिखा है, क्या लिखा है देख लिया। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इसको हम कहते हैं गति का प्रथम नियम। क्या कहा? यदि कोई वस्तु है अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, चाहे वह स्थिर अवस्था में रहे या गति अवस्था में रहे, जब तक उसमें बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाएगा तब तक वो वस्तु चलती ही रहेगी। एक बात सोच के देखिए, आपको कई बार ऐसा लग रहा होगा यदि हम ट्रक को नहीं भी रोकेंगे तो ट्रक कुछ देर जाके रुक जाएगा, वो बात सही है। यदि कोई ट्रक अनियंत्रित है, यदि कोई बॉल चल रही है तो जब तक हम उसको नहीं रोकेंगे है ना, तो नहीं रुकेगा, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दूरी बाद जाके रुक जाएगा, तो उसके पीछे फ्रिक्शन काम कर रहा है। ये देखिए बॉल के नीचे फ्रिक्शन काम कर रहा है, यदि ये फ्रिक्शन काम नहीं करेगा तब हो सकता है ये बॉल रुके। इसके बाद इसमें एक वायुमंडल का जो प्रेशर है वो भी काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण है ये भी काम कर रहा है। तो वायुमंडल का प्रेशर, गुरुत्वाकर्षण, फ्रिक्शन और बाह्य बल, यदि इन सबको जीरो कर दिया जाए तो जो चीज रुकी है वो रुकी रहेगी और जो चीज चल रही है वो चलती ही रहेगी। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं। इसका मतलब देखिए, एक कंबल है, ये कंबल है, हमने एक कंबल में धूल कहीं ऐसा फंसा पड़ा है। ठीक है, अब प्रथम नियम कहता है कि जब तक उसमें हम परिवर्तन, जब तक हम उसको बल नहीं लगाएंगे तब तक वो हटेगा नहीं। यदि हम कंबल को अचानक से झाड़ने की कोशिश करते हैं तो कंबल के जितने भी पार्ट्स हैं, रोए हैं, वो हिलने लग जाता है, लेकिन ये धूल कण में किसी भी प्रकार की बल आरोपित नहीं होता, इसलिए
ये धूल अपने ही जगह में स्थिर रहता है, इसलिए जैसे ही हम किसी चीजें से कंबल को पीटना शुरू करते हैं तो कंबल अपने स्थान छोड़कर चला जाता है साइड में, और जो धूल कण वहीं के वहीं रुक जाते हैं, इसलिए धूल और कंबल अलग अलग हो जाते हैं। पेड़ को हिलाने पर फल नीचे गिरते हैं, है ना। जैसे हम पेड़ को हिलाते हैं तो उसके डंगाल वंगाल सब हिलने लगते हैं, लेकिन फल फल नहीं हिलता, वो अपनी जगह में बने रहता है, इसलिए फल गिर जाता है। अब विराम का जरूरत, मतलब जो रुका हुआ है उसका उदाहरण देखते हैं। यदि कोई वस्तु रुकी है तो वह रुकी रहेगी जब तक उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, दरी कपड़ा कंबल झाड़ने पर धूल कण छोड़ देता है। अभी हमने सोचा, अभी हमने समझा। अचानक गाड़ी को चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। अब इसको समझिए, है ना। जैसे मैं एक सीट बनाता हूँ, है ना, ये सीट है। अब यहाँ किसी को हम बैठा देते हैं, ठीक है, यहाँ हम किसी को बैठा देते हैं, ये हमने बैठा दिया, ठीक है, ये हमने बैठा दिया, और यहाँ कोई आदमी बैठा है, ठीक है। जैसे ही गाड़ी चलना शुरू करेगी, मान लेते हैं गाड़ी कुछ इस दिशा में चलना शुरू करेगी, तो गाड़ी के साथ साथ ये जो चेयर है, जो गाड़ी का सीट है, वो टाइट कसा हुआ है गाड़ी के साथ, तो ये स्थिर नहीं है। जैसे ही गाड़ी चलना शुरू होगा तो इससे जो सीट भी चलना शुरू हो जाएगा, और व्यक्ति का जो कमर का हिस्सा है, कमर और पैर, ये भी गति अवस्था में आ जाएंगे क्योंकि सीट सीट से सटा हुआ है। लेकिन जो पीठ और ये सिर है ना, जो पीठ और जो व्यक्ति का सिर है, वो फिलहाल गति करने को तैयार नहीं है। यदि आप सीट पर सट के नहीं बैठे हैं तब, यदि कोई व्यक्ति सीट पर सट के पीछे नहीं बैठा है, तब की स्थिति में क्या होगा, गाड़ी जैसे इधर चलती रहेगी तो जैसे ही चलेगी तो ये ऊपर का जो हिस्सा है, पीठ और सिर, वो कहीं भी नहीं लगा है, तो ये अपने जगह को छोड़ना नहीं चाहती ना। ये विरामा जड़ की वजह से ऊपर का जो हमारा हिस्सा है, सिर या फिर पीठ, वो विरामावस्था की वजह से अपने आप को स्थिर बनाए रखना चाहती है, इसलिए हमको गाड़ी को झटके, गाड़ी अचानक चलने पर हमको हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। अभी एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम आगे की ओर गिरते हैं, वो गति का जड़त्व है, और जब हम सीट के पीछे की ओर गिरेंगे तब ये विराम का जड़त्व कहलाएगा। कांच में पत्थर मारने पर फूट जाता है और गोली मारने पर छेद हो जाता है, ये भी विरामावस्था का उदाहरण है। ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखिए, जैसे हम यहाँ पे एक ग्लास बनाते हैं, ये ग्लास बना दिया है, यहाँ पे एक कार्ड रखे इस प्रकार से। यदि कार्ड को मैं अचानक स्पीड से मैं मारना शुरू करूँ, है ना, यदि ये कार्ड को मैं अचानक स्पीड से इसमें प्रेशर डालूँ तो कार्ड कुछ इस प्रकार से आगे चला जाएगा और जो सिक्का है वो नीचे गिर जाएगा। क्यों? सिक्का में विरामावस्था का जड़त्व है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बल अप्लाई नहीं होने की वजह से वो अपना स्थिति चेंज नहीं कर पाता और ग्लास के नीचे गिर जाता है। अब देखते हैं गति का जड़त्व तो क्या होता है। अचानक गाड़ी रुकने पर व्यक्ति झुक भी जाता है सामने। अब ये देखिए, फिर से एक सीट बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ कुछ व्यक्ति बैठा दी, कुछ क्या, एक ही व्यक्ति बैठाएंगे, ये बैठा है व्यक्ति, ठीक है, ये व्यक्ति बैठा है। जैसी गाड़ी अभी चलना शुरू कर रही है तो क्या होगा, चलते समय गाड़ी का सीट, पहिया, और ये व्यक्ति का सिर और हाथ पैर, सब शरीर चलना शुरू कर देता है और चल ही रहा है। लेकिन जैसी गाड़ी अचानक रुकेगा ना, तब ये सीट रुक जाएगा और एक कमर का हिस्सा और ये जो पैर है ये भी अपने जगह रुक जाएगा, लेकिन ये सिर और जो कम जो सीना है ना, जो पीठ है, वो ऊपर की ओर गति करते रहेगा। इसलिए जैसी गाड़ी रुकती है तो लोग आगे की ओर गिर जाते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर का हिस्सा गति करता ही रहता है, सिर हो गया, हाथ हो गया, हमारा चेस्ट हो गया, ये ऊपर की ओर गति करता ही रहता है, इस वजह से हम आगे गिरते हैं। तेजी से दौड़ता हुआ धावक अचानक रुकता है तो फिर गिर जाता है। लंबी कूद से पहले एथलीट कुछ दूरी दौड़ता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको गति का जड़त्व बनाए रखना है। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें केवल बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। न्यूटन के प्रथम नियम से केवल हमको एक बल की परिभाषा मिलती है, इसमें किसी भी प्रकार की इक्वेशन हमको देखने को नहीं मिलता। अब हम एक संवेग के बारे में चर्चा करेंगे, वैसे इसके बारे में डिटेल चर्चा बाद में होगी, क्योंकि हमको बल का द्वितीय नियम समझना है, इसलिए हम संवेग मान लेते हैं, संवेग चर्चा कर लेते हैं। कोई वस्तु है, ये वस्तु है मतलब एक बॉल है, मान लेते हैं इस बॉल का वजन है या फिर इस पत्थर का वजन है 1 किलो, 1 kg। यदि इस 1 kg पत्थर को 5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से वेग दे दिया जाए, तब क्या होगा, इस पत्थर के मास और वेग के गुणनफल को, है ना, वेग लिख लीजिए, वेग के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। जब संवेग चैप्टर और पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि कोई वस्तु है,
उसमें कोई द्रव्यमान है और वो वेग से गति कर रहा है, तब इस दोनों के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। ठीक है, आगे संवेग चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। संवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग हमारा सदिश राशि है, इस वजह से संवेग की दिशा वही होगी जो वेग की दिशा होगी। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। अब हम बात करते हैं गति के द्वितीय नियम के बारे में। गति का द्वितीय नियम हमें बताता है, यदि कोई वस्तु चल रही है या उसके संवेग में यदि कुछ परिवर्तन हुआ, तो जितना परिवर्तन होगा वो आरोपित बल के समानुपाती होगा। जैसे हम ये मान लेते हैं कोई ये बॉल है, ठीक है, ये जमीन पे इस प्रकार से चल रही है और इस बॉल का वजन हम मान लेते हैं 1 kg है, ठीक है, और ये 5 m/s के चाल से चल रही है, वेग से चल रही है, तब इसका संवेग क्या होगा? 1 × 5 = 5 होगा। इसका संवेग क्या होगा? p बराबर हो जाएगा संवेग। तो ये निश्चित दूरी या फिर निश्चित वेग से अपने गति से चलते हुए बॉल कुछ इस प्रकार से चल रही है। यदि हम इस बॉल में थोड़ा वेग बढ़ा, यदि हम इस बॉल में थोड़ा सा बल आरोपित कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको और धक्का मार देते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा और धक्का लगाते हैं, तो धक्का लगाने पर इसका संवेग बढ़ जाएगा, है ना, मास तो वही रहेगा लेकिन इसका वेग बढ़ जाएगा। वेग बढ़ने पर इसका संवेग बढ़ जाएगा, संवेग मतलब ये पी बढ़ जाएगा। पहले क्या था? पहले जो एम वी था, हो सकता है बाद में ये P2 और M तो वही रहेगा, V बढ़ जाएगा, तो बाद में इसको क्या हो जाएगा? संवेग बढ़ जाएगा। तो जितना संवेग बढ़ेगा वो किसके समानुपाती होगा? फोर्स के। जितना बल उस बॉल पर लगाया जाएगा उसका उसी के अनुसार या फिर उतने ही समानुपाती से वो बॉल अधिक स्पीड से चलना शुरू कर देगा। ये होता है गति का द्वितीय नियम। लिखित में कैसे लिखेंगे? यदि यदि कोई बल आरोपित करते हैं किसी संवेग पर, है ना, तो उस संवेग उसका चेंज हो जाता है, तो जो चेंज होगा संवेग उस बल के समानुपाती होगा जो उस बल जो उस वस्तु पर लगाया गया है, ठीक है। तो हमको यहाँ गति का क्या मिल जाता है? गति का द्वितीय नियम मिल जाता है। तो गति का द्वितीय नियम सॉरी गति के द्वितीय नियम से हमको समीकरण मिलता है। तो गति के द्वितीय नियम से हम समीकरण क्या निकाले? एफ बराबर, है ना, एफ को हम फोर्स बोलते हैं, तो एफ बराबर हमने क्या निकाला? एम इंटू ए, ठीक है, क्या निकाला? एम इंटू ए। पहले हम संवेग क्या लिख रहे थे? संवेग हम लिखे थे पी बराबर एम वी, पी बराबर एम वी लिखे थे। मास अभी भी दोनों में है क्योंकि वेग में परिवर्तन होता है ना, जब भी आप किसी वस्तु पर, चाहे साइकिल हो या जो भी हो, जिस पर आप बल आरोपित करो, मान लेते हैं आप एक साइकिल से चल रहे हो और आपका दोस्त पीछे से टक्कर मार दिया, तो साइकिल आपका थोड़ा स्पीड चलने लगेगा, ठीक है, मतलब उसका वेग बढ़ जाएगा। मास तो पहले भी वही रहेगा और बाद में भी वही रहेगा, इस वजह से केवल वी की जगह ए लिखे। अब वी की जगह ए क्यों लिखे ये भी देख लीजिए, हम वी की जगह ए क्यों लिखे ये भी देख लिया। वेग में परिवर्तन को हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं? वेग परिवर्तन को दिखाते हैं v बराबर, है ना, वेग में परिवर्तन को हम दिखाते हैं a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो ये हमारा त्वरण हुआ, मतलब ये कह सकते हैं यदि हम बल लगाते हैं तो किसी वस्तु का त्वरण चेंज हो जाता है, उसी को बल कहते हैं। इन शॉर्ट, यदि किसी वस्तु पर यदि हमने बल लगाया तो उस बल के वजह से उसका त्वरण भी चेंज हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है ना, कोई जरूरी नहीं है कि गत्यावस्था में या फिर गति करते हुए वस्तु का ही संवेग चेंज किया जाए, ठीक है। मान लेता हूँ कोई एक जो बॉल अपने स्थिर पर खड़ा हुआ है, मतलब अभी स्थिर है, तो इसका संवेग क्या होगा? संवेग जीरो हो जाएगा। कैसे? क्योंकि संवेग का सूत्र है एम इंटू वी, और वी फिलहाल जीरो है, तो पी बराबर जीरो हो जाएगा। अब जैसे हम इसमें बल लगाते हैं इसका वेग चेंज हो जाएगा, ठीक है, जैसे हम इसको बल लगाएंगे तो इसका वेग चेंज हो जाएगा, और वेग चेंज को हम क्या कहते हैं? त्वरण। हमने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ाया था यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन कर दिया जाएगा तो हम उसको त्वरण कहेंगे। इसलिए एफ बराबर हो जाएगा एम ए, ठीक है। तो बल का सूत्र क्या हो गया? एम ए, है ना, एफ बराबर ए में मास इंटू त्वरण। अब इस पर आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए कि ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि एक कील मान लीजिए, अब इस कील को दीवार में ठोकने के लिए हमको बड़े हथौड़े की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसके संवेग को चेंज करना है। जो कील है फिलहाल विरामावस्था में था, अब उसके संवेग को चेंज करेंगे तो व्हील जो है, जो कील जो है दीवार में घुसने लगेगा और बड़े हथौड़े मारने से ही होगा। तो इस प्रकार से उसके संवेग में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हम देखते देखते समझ लिए कि फर्क फ्लोस क्या होता है। बस इतना याद रखिएगा एफ बराबर एम ए, ये आपके बहुत काम आने वाला है।
कभी कभी आपका सीधा ये त्वरण नहीं दिया रहेगा, जो आंकिक प्रश्न करेंगे कभी कभी ये त्वरण नहीं दिया रहेगा, उसमें वेग दे दिया रहेगा, प्रारंभिक और अंतिम वेग या समय दे दिया रहेगा। तो हम पहले त्वरण निकालेंगे, फिर वेग, फिर हम फोर्स निकालना शुरू करेंगे। अब एक और नियम होता है गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम क्या होता है, तो सबसे सुंदर और टिकाऊ आंसर ये है कि जब भी कोई क्रिया होती है तो उसके जस्ट उल्टा प्रतिक्रिया होती है, उसको हम गति का तृतीय नियम के समझते हैं। ठीक है, क्रिया के उल्टा प्रतिक्रिया, ये क्रिया होगा तो इसके जस्ट उल्टा होगा हमारा प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया के उल्टा प्रतिक्रिया। अब इसको हम कुछ इस प्रकार से समझते हैं, एक दीवार में हमने क्या लिया, एक स्प्रिंग ले लिया। ठीक है, अब स्प्रिंग को हम जो है हाथ के माध्यम से खींच रहे हैं। ठीक है, हाथ के माध्यम से इस स्प्रिंग को खींच रहे हैं। मान लेता हूं मैं इस स्प्रिंग को 1 न्यूटन बल से अपनी ओर खींच रहा हूं। ठीक है, इस स्प्रिंग को मैं अपनी ओर 1 न्यूटन के बल से खींच रहा हूं, तो ये जो स्प्रिंग है वे भी मुझ पर 1 न्यूटन का बल लगाएगा। ठीक है, लेकिन ये विपरीत दिशा में लगाएगा। न्यूटन के नियम के अनुसार से यदि हम गति का तृतीय नियम देखा जाए, तो यदि मैं स्प्रिंग का 1 न्यूटन बल लगाता हूं तो वो जो स्प्रिंग है मुझ पर भी 1 न्यूटन बल लगाएगा, और वो विपरीत दिशा में लगाएगा। इसको हम कहते हैं गति का तृतीय नियम। ठीक है, गति का तृतीय नियम कहा जाता है। अब ये देख लीजिए कि हम जो गति का प्रथम नियम हमको केवल क्या बताता है, डेफिनेशन देता है। द्वितीय नियम क्या बताता है, समीकरण देता है। और जो तृतीय नियम है हमको बताता है कि क्रिया के उल्टा प्रतिक्रिया, साथ में ये जो बल है वो 2 वस्तुओं पर लग रही है या फिर 2 वस्तुओं द्वारा लगाई जा रही बल रही है, और वो विपरीत दिशा में है। 2 वस्तुओं द्वारा लगाई जा रही बल और वो विपरीत दिशा में हो तो वो क्या कहलाता है, गति का तृतीय नियम कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। जैसे ये नाव है, जैसे हम नाव से नीचे आएंगे तो अब इस नाव को थोड़ा से पीछे धक्का मारेंगे, तो अब ये नाव हमको आगे धक्का लगाएगा, तब हम कहीं जाके इस मुहाने पर पहुंचेंगे, वरना हम पानी पर ही गिर जाएंगे या फिर नाव पर ही गिर जाएंगे। सोच के देखिए, यदि नाव आपको रिएक्शन नहीं दे या फिर आपको प्रतिक्रिया बल नहीं लगाता है, तब की स्थिति में आप कभी भी है ना नाव से पार तक नहीं पहुंच पाओगे। या फिर जब हम चलने की कोशिश करते हैं, यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है वो चलता है जमीन पर, ये जमीन पर चल रहा है, तो ये जमीन को पीछे की ओर धकेलता है, जमीन को पीछे की ओर धकेलता है और जमीन इसको आगे की ओर धक्का मारता है। यदि ये दोनों बल काम ना करे, यदि रिएक्शन फोर्स काम ना करे, तो लोग चल नहीं पाएंगे। जैसे आप बर्फ पर चल के देख लीजिए, बर्फ में आपका रिएक्शन फोर्स काम नहीं करता है। जो रेत है, रेत पर भी चल के देखेंगे तो रेत में आपका रिएक्शन काम नहीं करता। आप रेत में जितना बल लगाते हैं ना, रेत आपको उसका उल्टा बल नहीं लगाता, आपको उल्टा या फिर विपरीत बल जो रेत है आपको विपरीत बल लगाने नहीं देता, या फिर रेत के द्वारा विपरीत बल नहीं लगाया जाता। इस वजह से आप रेत में जल्दी नहीं चलते और आप थकने लग जाते हैं। ये हो गया हमारे गति का तृतीय नियम। अब कुछ प्रश्न है, ये हम कर लेते हैं। 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर क्रियाशील नियत बल 25 सेकंड में उस वेग को 2 मीटर सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर सेकंड कर देता है, लगाए गए बल की परिणामी ज्ञात कीजिए। 3 किलोग्राम है, मास दे दिया गया है, क्रियाशील बल 25 सेकंड तक काम करता है, वेग है 2 मीटर से 3 मीटर, 3.5 मीटर हो जाता है। हमको बल ज्ञात करना है। हमको पता है एफ बराबर होता है एम इंटू ए, लेकिन हमको तो यहाँ मास दे दिया गया है 3 की जो, चलो ठीक है, त्वरण हमको कहीं दिया नहीं गया, तो त्वरण हमको निकालना पड़ेगा। और त्वरण का सूत्र क्या होता है, ए बराबर होता है वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, वी माइनस यू अपॉन टी। अब ए निकाल लेते हैं, ए निकालेंगे तो हम मान पुट अप कर देंगे, या फिर हम चाहे तो एक साथ भी रख सकते हैं, फिर भी हम या तो निकाल के रखें या फिर एक साथ रखें, मतलब देखिए चाहे तो एक साथ रख सकते हैं। एक साथ कैसे रखेंगे, एफ बराबर एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब इसमें हम मान रख के चलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, या नीचे रखते हैं, एम है हमारे पास 3 किलो। ठीक है, अंतिम वेग कितना है, तो अंतिम वेग है हमारे पास 3.5, तो 3.5 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है, 2 मीटर है, 2 मीटर हो गया, बटा कितना टाइम, टी बराबर है 25 सेकंड, टी बराबर है 25 सेकंड। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 गुना 3.5 में 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, 1.5 बच जाएगा और ये हो जाएगा 25। आगे और सॉल्व करेंगे तो 3 गुना इसको हम क्या करेंगे,
15 कर दीजिए और नीचे को 250 कर दीजिए, पूरे को काटेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.18 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया, एफ बराबर हो जाएगा 0.18 न्यूटन। कैसे कैसे निकाले हमको पता है कि बल का डेफिनेशन है एफ, एफ इज इक्वल टू एम ए, हमको तुरंत डायरेक्ट दिया नहीं गया इसलिए हमको तुरंत निकालना पड़ गया इसमें। अगला प्रश्न है, 5 किलोग्राम की एक ट्रॉली पर बल लगाने पर 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण उत्पन्न होता है, आरोपित बल की गणना कीजिए। ठीक है, आरोपित बल की गणना कीजिए, बल का सूत्र है एफ बराबर एम ए, एम मतलब होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हमको दिया गया है 5 kg। ठीक है, और त्वरण भी दे दिया गया है ए, त्वरण मतलब ए दे दिया गया है 10, तो 10 ले लीजिए, 10×5=50, तो एफ बराबर हो गया 50 न्यूटन। ठीक है, एफ बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन। 5 किलोग्राम की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 5 सेकंड तक काम करता है। ठीक है, 5 किलोग्राम की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 5 सेकंड तक काम करता है, उस बल से कितना त्वरण उत्पन्न होगा, हमको ज्ञात करके बताइए। सबसे पहले हम छोटा सा इक्वेशन लिखेंगे, एफ बराबर एम इंटू ए, हमको जो दिया गया है उस पर पुट अप करते जाते हैं, हमको कुछ दिया गया है क्या, 10 न्यूटन का बल, तो बल का वैल्यू हमको दे दिया गया है 10, मास दिया गया है, बिल्कुल मास दिया गया है, मास दिया गया है 5, और ये त्वरण, हमको त्वरण भी निकालना है क्या, बिल्कुल निकालना है, ए की वैल्यू निकालेंगे तो इसको काट दीजिए, बराबर कर दीजिए, 5 × 5, 5×2=10, मतलब त्वरण हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। अब वस्तु के वेग में जो परिवर्तन है उसकी गणना करना है। ठीक है, वस्तु के वेग में परिवर्तन की गणना करना, सबसे पहले हमको वस्तु के वेग में परिवर्तन मतलब a बराबर v-u/t। ठीक है, v-u/t, अब a की वैल्यू हमको पता है क्या, बिल्कुल पता है, अभी निकाले हैं 2। ठीक है, अब हमको अंतर निकालना है, तो क्योंकि हमको पूछा गया है परिवर्तन, परिवर्तन हमको पता है अंतर, t की वैल्यू हमको दिया गया है, t की वैल्यू 5 सेकंड, 5 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 v-u, मतलब ये हमको अंतर पता चल गया, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में कितना अंतर है 10, और त्वरण भी निकाल लिए 2। तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रश्न को सॉल्व कर लिया है, इस प्रकार हमने कुछ प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब हम लास्ट में देखते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था अथवा गतिज अवस्था में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। गति के प्रथम नियम के अनुसार वस्तु अपनी स्थिर अवस्था अथवा गति अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उसमें बाह्य बल, और कैसा बाह्य बल, असंतुलित बाह्य बल कार्य न करे। यदि बाह्य ओर से या फिर संतुलित बल काम करे तब की स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होगा, ना ही बल के कोई नहीं उसमें किसी प्रकार की गति देखी जाएगी। किसी वस्तु की वह प्रकृति जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या गति को परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, यदि गति करती है तो गति करना चाहती है, इस चीज को हम कहते हैं जड़त्व। किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसका मतलब यदि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व बहुत ज्यादा अधिक होगा, चाहे वो इस विरामावस्था का जड़त्व हो या गति अवस्था का जड़त्व हो। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, संवेग को P से दिखाया जाता है, वेग को V से और द्रव्यमान को M से, तो P बराबर हो जाएगा MV। संवेग की दिशा वही होती है जो वस्तु की दिशा, जो वस्तु की वेग की दिशा होगी, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग में परिवर्तन करने पर लगा समय यदि कम हो तो बल ज्यादा होगा, ऐसे में गतिमान वस्तु को रोकने में चोट लग सकती है। इस लाइन को अच्छे से पढ़िए, संवेग में परिवर्तन करने में यदि हमको समय कम है, जैसे कोई चीजें अधिक वेग से आ रही, जैसे मान लेते हैं एक साइकिल है आपके सामने, एक साइकिल आ रही, उसको अब यदि आप अचानक हाथ से रोक दोगे तब आपके हाथ में चोट लगता है, लेकिन यदि उसी साइकिल को धीरे धीरे अगर रोकने की कोशिश करो तो ना, एकदम अचानक न रोको, इसको धीरे 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 रोकने की कोशिश करोगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। इसी वजह से जब भी कोई बॉल को कैच किया जाता है क्रिकेट में, तो बॉल हाथ में आने के बाद हाथ को पीछे किया जाता है ताकि हाथ को चोट ना लगे। गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपातिक होती है। द्वितीय नियम क्या बताता है, यदि किसी वस्तु के संवेग में यदि आपने परिवर्तन किया तो जितना परिवर्तन करेंगे उसमें आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है, जितना बल नहीं असंतुलित बल, ठीक है, याद रखिएगा, असंतुलित बल के, संतुलित बल नहीं असंतुलित बल के समानुपाती होता है। जैसे मैं ये मान के चलूं कोई वस्तु आपकी ओर आ रही है,
है ना। यदि ये एक न्यूटन बल से आ रही, मान लेते हैं मोटा मोटा एक न्यूटन बल के मान से आ रही, यदि आप भी यहाँ से एक न्यूटन बल लगाएंगे तो ये वस्तु नहीं रुकने वाली, क्योंकि इसका भी मान एक न्यूटन, इसका भी मान एक न्यूटन। यदि इसको हम दो न्यूटन के बल के मान से रोकने की कोशिश करेंगे तब कहीं जाकर ये वस्तु रुकेगी, क्योंकि बल असंतुलित होगा तभी बल काम करता है। यदि संतुलित अवस्था में बल कभी भी काम नहीं करता, वो न्यूटन प्लस माइनस हो जाता है। बल का ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की विपरीत के बराबर प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होती है। यदि किसी वस्तु का बाह्य बल न लग रहा हो तो वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। मतलब यदि किसी वस्तु में यदि बाह्य बल काम न करे तो उसका संवेग संरक्षित, मतलब वो बढ़े न तो बढ़ेगा न तो घटेगा। जिस स्पीड से वो चल रहा है वो चलते रहेगा, स्थिर है तो स्थिर रहेगा। यही कह रहा है ये संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ये आज हमने सीखा बल के बारे में। इसके बाद हम कार्य पावर एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।